से नहीं था। आवाज गूंज रहा है, आवाज कम कीजिए और आगे कीजिए ना, उधर वो साइड में। हाँ, ये सब सेट करके नहीं रखेगा। हेलो 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 हेलो, विकासशील इंसान पार्टी का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और एक विशेष कारण से हम लोगों ने इसको बुलाया है। आज हमारे विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी तो काफी बातें करेंगे आपसे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी के कई लोग पिछले कई महीनों से बोझाव विधानसभा में लगे हुए थे। हर एक धर्म, हर एक समाज, हर एक जात के लोग और जो हमारे कुछ नेता आए हमें यहाँ आए हुए हैं। आज मैं बताना चाहूंगा श्री राजेश राहुल जिन्होंने हमें समर्थन दिया था, हमारे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष अल्प प्रकोष्ठ भी जुड़े अपने काम में लगे हुए हैं, वो नहीं आ पाए। उनको प्रकोष्ठ के इन्होंने भी काफी मेहनत की है, मुस्लिम समाज में भी काफी मेहनत करा है अपने दो बड़े नेताओं के नेतृत्व में, और वहां भी हमें बहुत ही अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। साथ साथ इंदु कुमार जी, श्रीमती इंदु कुमार जी कानून अभी नहीं है, वो टीकाकरण में लगी हुई है, घूम रही है। सुबोध मांझी जी, जयनाथ राम जी, वो लोग यहाँ नहीं है। जयनाथ राम जी सकेंद्र चौधरी जी जो मुख्य है पासी समाज से आते हैं, वो काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं यहाँ है। मोहन ठाकुर जी सामाजिक कार्यकर्ता है, न्याय समाज से और हमारे साथ हमारे राजेश रंजन जी हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, उन्होंने काफी मेहनत की। हमारे पास हमारे एक बहुत बड़े कार्यकर्ता जो नेता भी हैं लेकिन अपने को नेता नहीं मानते, मधुकर जी, उन्होंने काफी मेहनत, मधुकर यादव जी उन्होंने काफी मेहनत करा है। और मैं राजीव मिश्रा इस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, आपको शायद मुझे जानते होंगे। और हमारे साथ सहनी जी हैं जो अभी हाल ही में हमारे साथ, उमा शंकर जी उनका अपना एक और अपना संगठन था, ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था, इन्होंने भी काफी मेहनत की है पिछले एक माह से, काफी हमारे साथ जुड़े हैं, हर जगह जा रहे हैं, हम उन सबको धन्यवाद देते हैं। और अब मैं चाहूंगा कि वीआईपी के हमारे सुप्रीमो श्री मुकेश सहनी जी जिन्होंने बोझा में एक हल्का समाचार दिया है, और परी परिवार भारतीय जनता पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, उन्होंने अपने तरफ से सारे स्टाफ यहाँ लाया हुआ है गोषा में। आप सभी जानते हैं राजद के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े विधायक हैं, मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सब कोई यहाँ पे है अकेले, और एक तरफ ये सारे लोग हैं और एक हमारे नेता मुकेश सहनी जी हैं। और आपको समझ में आ रहा होगा कि विकासशील इंसान पार्टी ने इस बार घोषणा में क्या कर दिखाया है। मैं आग्रह करूंगा मुकेश सहनी जी से प्रेस वार्ता को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे कि हमारे राजीव मिश्रा जी परिचय दिए हैं, उसका एक ही मतलब है कि हमारे साथ अल्पसंख्यक भाई साथ में हैं। मिश्रा जी हमारे साथ ब्राह्मण समाज से हमारे साथ है, भूमिहार समाज से हमारे साथ है, निषाद समाज तो हमारे साथ है, इमानी समाज से, अति पिछड़ा समाज से हमारे पास है, यानी कि हर राजपूत समाज से, हर जाति वर्ग, हर समाज में से हमारे पार्टी में लोग हैं। हर निश्चित तौर पर विधायक अभी नहीं रहा और ना ही हमारे पास बड़े बड़े स्टार प्रचारक है दूसरे पार्टी के जैसे, तो सब मिलकर मजबूती से पार्टी के लिए काम किए हैं। और एक तरफ हमारी जीत तो सुनिश्चित हो चुका है, हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, आप सभी को जानकारी है कि एक मुकेश सहनी को हराने के लिए और या एक मुकेश सहनी मैदान में उतर जाने से इतना बड़ा फैक्टर अगर बन सकता है जहां पे 40 स्टार प्रचारक उतर जाए, कई दर्जन मंत्री उतर जाए, कई दर्जन विधायक उतर जाए,
उसी तरीके से विपक्ष में जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो या उनके 50 विधायक हो, सैकड़ों अपने पदाधिकारी हो, इन लोगों ने पूरी शक्ति लगा दी एक मुकेश सहनी को हराने के लिए। तो मेरी जीत तो वहीं पे सुनिश्चित हो गया कि एक सनक मल्ला को देखकर लोग इस तरीके से घबरा गए कि किस तरीके से इस क्षेत्र में आए। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम के लिए कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और राज्य के देश के सबसे बड़ी पार्टी है। आप बताइए एक सीट जीतने के लिए इतने बड़े बड़े नेता को, इतने लोगों को उतारना पड़ा, दो दो डिप्टी सीएम को उतारना पड़ा, केंद्र के मंत्री को उतारना पड़ा। तो सारे लोगों को उतारने के बाद कहीं ना कहीं उनके अपने स्थानीय जिला के नेता या उस विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता पर उनका भरोसा नहीं था। अगर भरोसा होता तो निश्चित तौर पर इतने बड़े बड़े नेता को उतारने की आवश्यकता नहीं है। आज जैसे चुनाव प्रचार कल खत्म हुआ, सारे नेता घर चले गए, आज वही उनके पुराने जो कार्यकर्ता होगा, बूथ का होगा या पंचायत अध्यक्ष होगा या मंडल अध्यक्ष होगा, उन्हीं को अभी जवाबदेही होगा। तो काम तो असल में उनको करना है, लेकिन इन लोगों ने आके मार्केटिंग करके गए, कहीं ना कहीं उनके दिल पे चोट पहुंचा के गए। जो स्थानीय नेता है, हम तो उस स्थानीय नेता को कहेंगे कि आपका देखिए कि कितना आप पे भरोसा करता है, आप पे ये तो भरोसा ही नहीं कर रहे। और मैं तमाम हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी को, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप एक गरीब के बेटा को, आवाज़ को जन जन तक पहुँचाए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पहुँचाया। मैं थोड़ा सा निराश जरूर हूँ, लेकिन तो भी मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ पे त्रिकोणिया मामला बता दिया। तो त्रिकोणिया आज मैंने देख रहा हूँ दैनिक जागरण जैसे पेपर में लिखा है कि त्रिकोणिया लड़ाई हो गई, तो ये भी एक अपने आप में बड़ी जीत है हमारी। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, यहाँ सच्चाई वीआईपी वर्सेस राजद है, वीआईपी वर्सेस आरजेडी है। बीजेपी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अगर किसी के पास अगर बाइस स्कोप होगा तो वो देखेंगे तो उनको बीजेपी है ना चांद पे नजर आएंगे, धरती पर नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए तो भी बीजेपी को आप लोगों ने रेस में रखा है, तो खैर कोई बात नहीं है, होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वीआईपी सबसे आगे है, 35,000 वोट से हम लीड करेंगे। चाहिए तो हम आपको आज लीड कर दे देते पेपर पेन पे किस जाति धर्म से हमें कितना वोट मिल रहा है और हमारे प्रत्याशी को टोटल कितना वोट आ रहा है। तो मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं। हर समूह के हर लोगों को पता है कि मेरे साथ जो अन्याय किया गया उनका बोझा विधानसभा के सभी जनता मालिक वो न्याय करेंगे कि किस तरीके से हमारे पार्टी तोड़ दिया, किस तरीके से हमें सरकार से बाहर कर दिया, कौन ये सीट हरा रहा था, गठबंधन नहीं निभा के अपने जबरदस्ती हमारे सीट पे कब्जा कर लिया। तो ये सारी चीजें उन्होंने दिखा दिया और बोझा के जनता के बीच में आज इस तरीके से नेता लीडर उतारे, लोकतंत्र की हत्या किए। क्योंकि आप बताइए कि लोकतंत्र में तो आप काम किए हैं तो जनता को खुश करके आपको वोट लेना है, ना ही कि 35-35 विधायक को हर एक गांव में भेज दीजिए और उसको बताइए कि जात के नाम पे हमको वोट दे दीजिए। तो ये सारे चीजें भारतीय जनता पार्टी अगर किए हैं तो इस चीज को तो आप सबको भी देखने की आवश्यकता। और अमोछा के जनता तो कल 12 तारीख को जो वोटिंग होगा उसमें निर्णय ले चुका है और कल आप लोगों का स्पष्ट हो जाएगा, 16 तारीख को गिनती हो जाएगा। तो बहुत ही मजबूती तरीके से हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है, एनडीए के सारे उनके नेता सारे लोग जितने भी है वो मजबूती से काम किया है। थोड़ा सा एनडीए में भी कुछ लोग हैं जो मुकेश सहनी को चाहते हैं कि मुकेश सहनी जीते, ऐसे साथी को मैं धन्यवाद दूंगा जिनको प्रति मुकेश सहनी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। बहुत सारे नेता मुकेश सहनी के इज्जत करते हुए नहीं आए मैदान में, खास करके ऐसे बीजेपी में एक दो नेता भी हैं और जेडीयू में तो बहुत बड़े संख्या में नेता ऐसे हैं कि जो मुकेश सहनी को इज्जत करके इस क्षेत्र में नहीं आए हैं, उन सभी को धन्यवाद देता हूं। और भी बहुत सारे लोग काम किए हैं, उनके लोग भी काम किए, आज देखिए कि किस तरीके से उनके पास कौन वोट रह गया। भूमिहार समाज उनके पास एक भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है, राजपूत समाज एक भी वोट उनको देने के लिए तैयार नहीं है, निषाद समाज एक भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है, उसी जगह पे पासवान समाज उनको एक भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप बताइए कि उनको वोट मिलेगा कौन सा, हर जाति धर्म में विरोध है। और बेबी कुमारी नहीं, उनके पति पे लोगों का गुस्सा है, जो पिछले बार चुनाव जीत के गए लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया और किस तरीके से वो मुजफ्फरपुर में बाजार बना दिया अपने विधायकी को। तो कहीं ना कहीं जनता नाराज है और उन्होंने बहुत जल्दी बाजी कर लिया। खैर हम लोग मजबूती से चुनाव जीत रहे हैं, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था लेकिन काम में बिजी रहने के कारण मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। और विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस 16 तारीख को रिजल्ट आने के बाद हम लोग जब विजय जुलूस का जो डेट रखेंगे कि मुजफ्फरपुर में भी विजय जुलूस निकलेगा और पटना में भी विजय जुलूस निकलेगा और बिहार में हर जिला में
विजय जुलूस निकलेगा कि किसान अब मल्ला मुकेश सहनी मैदान में उतर के किस तरीके से खेल बिगाड़ा और किस तरीके से अपने दम पर चुनाव जीता, हर जाति धर्म के साथी को लेकर चुनाव हमने जीता। आज हमारी लड़ाई तो ऑलरेडी हमने जीत चुका है, तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, एक चीज और है कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं गलत है कि विधायक मंत्री अभी भी बोझा में डटे हुए, जबकि उनको कल ही निकल जाना चाहिए। तो मैं तो प्रशासन से कहूंगा, चुनाव आयोग से कहूंगा कि ऐसे लोगों को क्षेत्र में ना रहे। आज मैं भी हूँ, क्षेत्र से बाहर हूँ और मैं भी थोड़ी देर के बाद निकलूंगा, तो क्षेत्र में ना जाए क्योंकि ये लोकतंत्र का अपमान होगा। और प्रशासन से भी कहूंगा कि इस पे ध्यान रखें। आप लोगों को कुछ सवाल पूछना तो बताइए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मंच से कि मुकेश सहनी को हम सम्मान देते हैं लेकिन वो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहे हैं। आप बताइए, अभी मुकेश सहनी उनको याद आ रहे हैं और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सब पार्टी का सीट का नाम घोषणा कर दिया, मुकेश सहनी का नहीं किए, और जबकि लास्ट चरण का जो पहला चरण का जो नॉमिनेशन का डेट था 3 रोज पहले तक ही था, तो कहीं ना कहीं उनको आज पछतावा हो रहा है। ये पछतावा आगे आने वाले समय में ध्यान रखे। तो क्या आगे भी सुनाया जा सकता है सिलेक्ट क्या करते हैं? आगे तो पहले भी हम चुनाव जीतेंगे राजनीति में निश्चित तौर पे। आने वाले समय में बड़ा सीमा बिहार में हम लोग तैयार करेंगे। हमारे पास अति पिछड़ा का एक बड़ा वोट बैंक है, हर जाति धर्म में 128 जाति है जो अति पिछड़ा में, वो पूरी की पूरी वीआईपी पार्टी के आप आस्था विश्वास जता रहे हैं। आप देखिएगा कि हर एक बूथ को अगर गिनती कीजिएगा तो अति पिछड़ा का 90% वोट वीआईपी के पक्ष में आ रहा है। ऐसे हर जाति धर्म में आ रहा है, लेकिन कुछ जगह कम या ज्यादा आता होगा, 50% आएगा, कहीं पे 60 आएगा, लेकिन अति पिछड़ा में 90% वोट आएगा। और ये कर्पूरी ठाकुर जी के बाद पहली बार बिहार में अति पिछड़ा समाज के लिए मान सम्मान की लड़ाई लड़ने लगा, उसको 18% आरक्षण बढ़ाने की बात करने लगा और जिस तरीके से उनके कोटे में उनको नुकसान हो रहा है, ये सब की बात करने लगा। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो अति पिछड़ा के आरक्षण की बात है वो बढ़ाएंगे और उनको हक दिलाएंगे। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि वीआईपी में भगदड़ मच गई है और संजय जायसवाल ने कहा है कि 90% कार्यकर्ता वीआईपी वो ये रिजल्ट आने दीजिए, ये रिजल्ट उनको आने दीजिए, उनके बाद उनको पता चलेगा कि उनके 90% और हमारे में क्या रिजल्ट है। ज्यादा कहाँ इंतजार करना, आज 11 तारीख है, 16 तारीख में कितना इंतजार करना है, उनके खुद के चेहरे पे कितने काली पोतने वाला है वो 16 तारीख को पता चल जाएगा। उनके चेहरे पे काली पोतेगा कि हमारे चेहरे पे काली पोतेगा, 16 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, ये बोल के बब्बर सेन नहीं बनना है, काम करके देखेंगे। ये तो क्लियर है कि 2024 में हम टिकट बांटेंगे। क्या वो दावा कर सकता है कि 2024 में बेतिया से वो चुनाव लड़ेगा? ये वो दावा कर सकता है? उसको बोलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि 2024 में हम ही इधर का कैंडिडेट होंगे। जो व्यक्ति 2024 में ये दावा नहीं कर सकता है, वहां के सिटिंग सांसद है, वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या बोलेंगे? उनके अगर बुलवाना है तो उनके बड़े नेता से बुलवाए जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है या बड़े नेता, वो बोले। इनकी बात को तो मैं बिल्कुल ही वैल्यू नहीं दूंगा और नहीं कोई दूंगा। जो बात सही नहीं है वो बात को रखते हैं, उनको तो हमने चैलेंज किया है कि अगर आप में हिम्मत है तो पूरा टीवी मीडिया के सामने लाइव में मुकेश सहनी के अगल बगल में बैठ जाए। हम मारेंगे नहीं किसी को, हम खाली बात करेंगे। उनको अगर डर होगा कि सहनी जी हमको बगल के पकड़ के मारेंगे तो इस बात को सुनिश्चित कर देंगे, उनको मारेंगे नहीं, उनको प्यार से बात करेंगे। जैसे आज आप लोगों से प्यार से बात करें ना, बगल में बैठा के चाय कॉफी पिला के नाश्ता खिला के अब प्यार से बात करेंगे कि वो जो बोल रहे हैं वो कितना झूठ बोल रहे हैं। आज नहीं, बरसों से मत्स्यजीवी सहयोग समिति में गैर मछुआरा को निकालने के लिए मैंने पटना में 7 दिन आमरण अनशन किया था कि गैर मछुआरा को इस सोसाइटी से बाहर किया जाए। आज वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा कि आप उसको उसमें जोड़ रहे हैं। आज भाग आप गया से लेकर और यहाँ पे कैमूर तक गैर मछुआरा पूरा भरा हुआ, मंत्री अध्यक्ष बना हुआ, दूसरे दूसरे जाति के लोग। मैं उसको निकालने के लिए प्रयासरत हूँ, मैं उनको हटाने की कर रहा हूँ, उसके लिए 7 दिन तक आमरण अनशन बैठा हूँ। भला मेरे रहते हुए भला उसमें किसी को हम कैसे घुसने देंगे जिसके लिए हम राजनीति कर रहे हैं निषाद समाज के लिए, और उनको नुकसान होने के लिए कैसे देख सकते हैं? वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, जबकि वो पोर्टल जो लॉन्च हुआ मुझे जानकारी भी नहीं है। वो पोर्टल कब लॉन्च हुआ, इसलिए लॉन्च हुआ, जब लॉन्च हो गया तो हमें पता चला कि एक सहकारिता विभाग ने जो भाजपा के ही कोटे में वो उनके मंत्री है उन्होंने लॉन्च किया है, तो उनसे हमने भी बुलाकर विमर्श किया, उसमें जो टूटी था उसको हमने ठीक करने के लिए उनको आदेश किया है, 2 बार हमने उसके लिए बैठक किया है। तो ये
आप उलूल जुलूल बात बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। खैर, ये निषाद समाज किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और 15-16 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने कितना बड़ा गलती किया है। दिल्ली के नेता को उन्होंने गलत तरीके से गुमराह करके दिल्ली के नेता को उन्होंने कन्विंस किया। इनको आने वाले समय में इनकी अपनी सारी चीज इनको पता चल जाएगा। अब विशेष तौर पर सभी को धन्यवाद देता हूं और खास करके जेडीयू के नेता को धन्यवाद देता हूं कि जो हमारा इज्जत रखकर यहां पे नहीं आए प्रचार करने के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ईवीएम पर मुकेश सहनी जी को भरोसा है ना? अभी देखिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है। देश में जब चौकीदार ही चोर हो सकता है, चौकीदार अगर चोर हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र है, अभी इस पर हमको भरोसा करना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। हम तो चाहेंगे कि भविष्य में कि इस पे अगर इतना सवाल उठ रहा है तो बैलेट पेपर पे चुनाव हो। अमेरिका जैसे देश में बैलेट पेपर पे चुनाव होता है तो भारत में भी हो, लेकिन इस पे इतना सवाल उठ रहा है तो कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है। और हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग इस पे देखे, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी देखे कि देश में हर तबके से हर कोना से ये आवाज उठता कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, जो हमारे पत्रकार महोदय भी कभी कभी सवाल कर देते। अभी ये तो हमने नहीं बोला, आप ही ने कहा, तो कहीं ना कहीं इसमें संशय है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि भविष्य में बैलेट पेपर पे ये हो तो ज्यादा अच्छा होगा। और नहीं तो मैंने एक और हमने वीडियो बना के भेजा था चुनाव आयोग को कि ईवीएम पे जब भी वोट गिराते हैं तो लो एंगल में कैमरा से शूट करके, ताकि वो भी एक रो मटेरियल रहेगा कि ताकि पता चल जाएगा कि कौन सा बटन पे कितने बार वोट गिराया गया, इस तरीके से पता हो जाएगा। और आदमी का सिर्फ हाथ आएगा, चेहरा उसको कैप्चर नहीं होगा, और बूथ नंबर लिखा हुआ रहेगा, घड़ी भी एक लगा रहेगा, क्लॉक लगा हुआ रहेगा, ताकि टाइमिंग भी पता चल जाएगा कि उसमें एडिट भी करेगा तो घड़ी से पता चल जाएगा कि कुछ देर का इसमें फुटेज निकला हुआ। तो जितने टाइम का वो वोटिंग होगा उतने टाइम में घड़ी लगा हुआ रहेगा और एक लाइव वीडियो बन जाएगा और उसको स्टोर करके रखेगा, कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो उसको देख लिया जाएगा। तो मैंने तो 2019 में भी इस तरह का एक वीडियो बना के सुझाव हमने दिया था, लेकिन कोई माने तो सही। देश में हम मानते हैं कि कोई गरीब विचारधारा वाले लोग का देश में सरकार बनेगा तो हमें लगता है कि शायद ये इस चीज को समस्या जो है उसको हल करेंगे। मुकेश सहनी आगे किस पार्टी के साथ? आगे तो छोड़िए, अभी तो पहले चुनाव लड़ ले दीजिए ना, उसके बाद मुकेश सहनी किसी में अकेले में कोई कम है क्या? आप बताइए, मुकेश सहनी यहाँ पे लगा पेपर भी लिखा कि तीसरा फैक्टर हो गया कि तीन कोने में लड़ाई है। तो आप बताइए कि आजादी के 75 साल के बाद एक मल्लाह का बेटा अगर मैदान में उतर जा रहा है और त्रिकोणिया अगर चुनाव कर दे रहा है तो क्या मुकेश सहनी कम पावर है? एक तरफ आरजेडी के पास लेफ्ट के साथ कई दल के साथ समर्थन से वो मैदान में उतरे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, हम पार्टी और पारस जी लोजपा चार चार पार्टी को साथ लेकर मैदान में उतरा, मुकेश सहनी अकेला है। और उसके बावजूद भी अगर हम एक फैक्टर बन सकते तो भला हमको किसी के पास क्यों जाने की जरूरी है? लोग को स्वागत है हमारे पास आए और आने वाले समय में बिहार में बदलाव करें, बिहार को युवा के बारे में सोचे, बिहार के युवा 19 लाख युवा को रोजगार देने का जो झूठा वादा किए हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे साथ आए और हम लोग निश्चित तौर पर वो युवा के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पूछना है शांति से पूछिए, सारा चीज का जवाब देंगे। इसलिए हम कहते हैं संजय जायसवाल जी को भी बोलते हैं अगल बगल में बैठिए और शांति से एक एक चीज बोलिए और मैं सबका जवाब दूंगा। लेकिन उनको डर लगता है कि जाएंगे अगर गलत बोलेंगे तो कहीं पीट ना दे, लेकिन हम पीटेंगे नहीं उनको, ठीक है? हाँ, ये हम उसको सुनिश्चित कर देते हैं आपके माध्यम से कि हम लोग इतना बड़ा गलती नहीं करेंगे, हम लोग लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं और हम लोग सही से चलने वाले लोग हैं। कल पासी समाज मुख्यमंत्री की रैली में काफी विरोध प्रदर्शन जता रहा था, क्या आप उसके साथ समर्थन में खड़े हैं? एक्चुअली देखिए, ये बात सही है कि पासी समाज में समस्या है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी जो घोषणा किए थे उसको पूरा करें। और मुख्यमंत्री जी तो जबरदस्ती आए, मुख्यमंत्री के दिल में मुकेश सहनी है और इसलिए उन्होंने लास्ट समय में आए, वो गठबंधन धर्म निभाने के लिए जबरदस्ती आए। उससे पहले बड़ा संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया, हमारे भगवान केवल महाराज जिसको हमारे कुल देवता है पहले वहां पे गए, वहां पे पूजा अर्चना की है, उसके बाद यहाँ पे आए कि हम भले जा रहे हैं लेकिन बाकी आप संभाल लीजिएगा क्योंकि हम तो मजबूरी में जा रहे हैं, हम तो मल्ला के साथ है, सहनी जी के साथ है और सहनी जी मेरे दिल में है और वो इसलिए आए हैं, इसलिए हमारे भगवान को साक्षी मान के आए हैं कि भाई हम भले जा रहे हैं लेकिन सारा काम बिगड़ा हुआ चीज को आप संभाल लीजिएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल में मैं हूँ और वो मेरे लिए लास्ट समय में आए और आपने देखा उनके भाषण में भी बहुत ये नहीं था कि मुकेश सहनी को वोट नहीं देना है, ठीक है? तो ये हमारे लिए, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। गांधी जी से भी कल हमने जब सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी अब स्टेशन से छूट चुकी है।
उसका काम आधे रास्ते में अटक जाएंगे, तो इस बात के लिए धन्यवाद। एक राजनीतिक परिवेश बताइए, पटना में बड़ा हलचल है एनडीए गठबंधन को लेकर नेतृत्व करता नीतीश, एक तरफ से जदयू कह रही है नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन हमेशा रहेगा जब तक माननीय बीजेपी को मंजूर नहीं है, बीजेपी को मंजूर हो या ना हो जो फर्क नहीं पड़ता बिहार की जनता को, जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब तक चाहेंगे बिहार में मुख्यमंत्री रहना तब तक वो रहेंगे, और उसके लिए मेरा भी उनसे साथ रहेगा कि जब तक वो चाहेंगे बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए। धन्यवाद।